हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला पैटर्न। तो ये पैटर्न मैंने दो रंगों से बुन के रखा हुआ है। आप चाहें तो आप एक रंग से कलर से भी बुन सकते हैं। और ये इस पैटर्न के लिए हमें फंदे चाहिए होते हैं 12 का गुना जमा एक के हिसाब से। तो ये मैंने 12 का 3 गुना 36 जमा एक 37 फंदे इसमें डाले हुए हैं। मल्टीपल ऑफ 12 स्टिचेस प्लस 1 स्टिच के हिसाब से हमें फंदे चाहिए होते हैं। और ये 16 रोज का पैटर्न है, 16 सिलाइयों का ये पैटर्न है। तो ये यहाँ पे मैंने ये दो रंगों से बुना हुआ है। आप चाहें तो आप एक रंग से भी बुन सकते हैं, बच्चों के कार्डिगन स्वेटर और बच्चों की फ्रॉक, लेडीज कार्डिगन में बहुत अच्छा लगता है ये पैटर्न। तो देखिए, अब मैं जो सैंपल बनाने वाली हूँ आपके साथ, उसमें मैंने 12 का 2 गुना जमा 1 के हिसाब से फंदे डाले हुए हैं। तो ये मैंने 24 जमा 1 25 फंदे डाले हुए हैं इस वाले सैंपल में जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और फिर मैंने क्या किया है कि तीन सिलाइयाँ मैंने बुन के रखी हैं। एक पहली सिलाई सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, तीन सिलाइयाँ स्टॉकिनेट स्टिच से मैंने बुन के रखी हुई हैं। अब चौथी सिलाई हमने क्या करना है कि यहाँ पे चौथी सिलाई से हम कलर जो है वो चेंज कर दे। अगर आपने कलर चेंज दूसरा कलर लगाना है तब आपने कलर चेंज करना है, नहीं तो आप फिर एक कलर से बुनोगे तो आप फिर वैसे ही बुनते जाइए उस कलर से ही जो आपका लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर लगा रही हूँ। तो जो हमारी चौथी सिलाई होगी वो हमने बुननी पूरी उल्टी है, पर यहाँ पे हमने जो है इसका वो कलर जो है वो दूसरा लगा देना है। तो ये मैं यहाँ पे फिर तो ये वाली पूरी सिलाई हम उल्टी बुन देंगे। चौथी सिलाई जो है वो उल्टी बुनेंगे। पहली सीधी बुनी थी, दूसरी उल्टी बुनी थी, तीसरी सीधी हमने ऑफ वाइट से बुनी थी, और फिर मैंने चौथी सिलाई में कलर चेंज किया और चौथी सिलाई को मैंने उल्टा बुन दिया, और ऑफ वाइट कलर जो है वो इसी साइड हमने रहने दिया। तो ये डाल दी मैंने चौथी सिलाई। अब हमने पांचवी सिलाई डालनी है। तो पांचवी सिलाई हमने किस तरह बुननी है, पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे बुनेंगे, सिलाई पे लपेटेंगे, और फिर हम अगला फंदा जो है वो सीधा बुन देंगे। फिर हमने धागा अपनी तरफ को करना है और चार बार जो है वो दो दो फंदों का उल्टा जोड़ा मारना है। तो एक बार मार दिया, ये दूसरी बार मार दिया, तीसरी बार मार दिया, और ये चौथी बार मार दिया। फिर धागा हमने बाहर को ले जाना है और फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो पहले फंदे को छोड़कर 12 फंदे मैंने जिस तरह बुने हैं इसी तरह हम बार बार रिपीट करेंगे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, धागा सिलाई पे लपेटा एक फंदा सीधा, धागा सिलाई पे लपेटा दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को लाए और चार बार जो है वो हमने उल्टे जोड़े मारने हैं, एक दो तीन और ये चार, और फिर धागा हम बाहर को ले गए और धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे और हम लास्ट वाला फंदा बुनेंगे। तो ये हमारी डलगी पांचवी सिलाई। तो छठी सिलाई जो है वो हमने पिंक कलर से ही
उल्टी बुननी है, प्लेन उल्टी बुननी है हमने, उसमें हमने पैटर्न नहीं डालना है। तो ये हमने छठी सिलाई जो है वो पूरी उल्टी बुन दी। अब बुनते हैं हम सातवीं सिलाई। तो सातवीं सिलाई हमने वैसे ही बुननी है जैसे हमने पांचवीं सिलाई बुनी थी। तो पांचवीं सिलाई की तरह बुनेंगे सातवीं सिलाई को। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, दूसरा फंदा बुना, और फिर हमने चार बार जो है वो दो दो के जोड़े मारने हैं उल्टे, एक दो तीन और ये चार, और फिर धागा बाहर को लेके सिलाई पे लपेटेंगे, एक बार बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे। तो फिर इसी तरह हमने जिस तरह ये 12 फंदे बुने हैं पहले फंदे को छोड़कर, इसी तरह बार बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ, धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा बुना, फिर लपेटा, फिर दूसरा फंदा बुना, धागा अपनी तरफ को लाए, चार बार जो है वो दो दो फंदों का जोड़ा मारना है। तो एक बार मारा, दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। फिर धागा बाहर को ले गए, धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, दूसरा फंदा बुना। तो ये डल गई हमारी सातवीं सिलाई। अब आठवीं सिलाई जो हमने बुननी है वो हमने फिर उल्टी बुननी है और ऑफ वाइट कलर से हम बुनते आएंगे। तो अब मैं पिंक को यहीं पे छोड़ दूंगी और आठवीं सिलाई जो है वो ऑफ वाइट कलर से पूरी उल्टी बुन दूंगी। तो ये आठवीं सिलाई हमने डाल दी। अब डालेंगे हम नौवीं सिलाई। तो नौवीं सिलाई हमने पूरी सीधी बुननी है ऑफ वाइट से। नौवीं सिलाई हम सीधी बुनेंगे, दसवीं सिलाई उल्टी बुनेंगे, फिर ग्यारहवीं सिलाई हम सीधी बुनेंगे। तो तीन सिलाइयां हमने इस तरह डालनी है। नौवीं ऑफ वाइट से सीधी। अब दसवीं सिलाई जो है वो ऑफ वाइट से उल्टी, और दूसरा धागा हमने साइड साथ साथ में ऊपर लेते जाना है, चाहे वो पिंक हो चाहे ऑफ वाइट हो। तो ये मैं दसवीं सिलाई डाल रही हूँ, ये मैंने पूरी उल्टी बुननी है ऑफ वाइट से। तो ये दसवीं सिलाई डल गई। अब डालेंगे ग्यारहवीं सिलाई। तो ग्यारहवीं सिलाई भी हमने ऑफ वाइट से बुननी है सीधी। ग्यारहवीं सिलाई मैंने ऑफ वाइट से सीधी बुननी है। बारहवीं सिलाई फिर मैं पिंक कलर से ऑफ वाइट को पीछे छोड़ देंगे और फिर पिंक कलर से मैं बारहवीं सिलाई को उल्टा पूरा बुनूंगी। तो बारहवीं सिलाई के बाद मैं आपको फिर बताती हूँ तेरहवीं किस तरह हमने डालनी है। तो ये 12 सिलाइयाँ डाल दी मैंने। अब डालेंगे हम तेरहवीं सिलाई। तो तेरहवीं सिलाई हमने किस तरह बुननी है, एक फंदा सीधा बुना, फिर हमने दो फंदों का उल्टा जोड़ा दो बार मारना है, एक और ये दो फंदों का उल्टा जोड़ा दो बार। फिर धागा बाहर को ले गए हम, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर एक फंदा बुना, फिर लपेटा, ये दूसरा, फिर लपेटा, ये तीसरा,
और फिर लपेटा और ये चौथा। फिर धागा अपनी तरफ को लाए और दो बार फिर से हमने दो फंदों का जोड़ा मारना है उल्टा, ये इस तरह एक और ये दो। तो पहले फंदे को छोड़कर 12 फंदे जिस तरह मैंने बुने हैं इसी तरह हम बार बार रिपीट करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, दो फंदों का एक बार जोड़ा मारा, दो फंदों का दूसरी बार जोड़ा मारेंगे और फिर धागा बाहर को ले गए, फिर धागा सिलाई पे लपेटा एक बुना, दूसरी बार लपेटा दूसरा फंदा, फिर लपेटा फिर तीसरा फंदा, फिर लपेटा फिर चौथा फंदा, फिर धागा हम अपनी तरफ को लाए और दो फंदों के दो बार जोड़े मार देने हैं उल्टे। तो ये हमारी डल गई है 13वीं सिलाई और 14वीं सिलाई हमने उल्टी बुननी है। उल्टी साइड की सिलाइयां हमने उल्टी ही बुननी है हमेशा। तो ये 14वीं सिलाई हमने उल्टी बुन दी। अब 15वीं सिलाई हमने फिर वैसे ही बुननी है जैसे हमने 13वीं बुनी थी। तो किस तरह बुनी थी हमने 13वीं सिलाई, वैसे ही बुनेंगे 15वीं को भी। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों का जोड़ा एक बार, फिर दो फंदों का उल्टा जोड़ा दूसरी बार, फिर धागा हम बाहर को ले गए, फिर सिलाई पे लपेटा एक फंदा बुना, फिर लपेटा दूसरा बुना, फिर लपेटा तीन, फिर लपेटा चार बार, फिर धागा अपनी तरफ को लाए और दो फंदों का जोड़ा एक बार उल्टा और दो फंदों का जोड़ा दूसरी बार। तो ये एक फंदे को छोड़कर 12 फंदे फिर इसी तरह रिपीट करेंगे। तो एक फंदों दो फंदों का जोड़ा एक बार, फिर दो फंदों का जोड़ा दूसरी बार, फिर धागा बाहर को ले गए, सिलाई पे लपेटा एक फंदा बुना, फिर धागा लपेटा दूसरा फंदा बुना, फिर धागा लपेटा तीसरा, फिर धागा लपेटा और ये चौथा फंदा। फिर धागा अपनी तरफ को लाए, दो फंदों का उल्टा जोड़ा एक बार और दो फंदों का उल्टा जोड़ा दूसरी बार। तो ये 15 सिलाइयां डल गई। अब 16वीं सिलाई हमने, और यहाँ पे हमने फिर कलर चेंज कर देना है। तो अब हम ऑफ वाइट कलर से जो है वो 16वीं सिलाई को उल्टा बुन देंगे। तो ये 16 सिलाइयां हमने डाल दी हैं और हमारा पैटर्न जो है वो अब कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये भी पैटर्न जो बन के कंप्लीट हो गया है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप चाहे तो आप एक कलर में बना सकते हैं और चाहे तो आप दो कलर में बना सकते हैं और कोई भी कलर कॉम्बिनेशन अपनी चॉइस का यूज कर सकते हैं। तो आपको ये पैटर्न कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो ये पैटर्न अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।